जयपुर की रहने वाली प्रेमलता बेरवा के लिए शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत थी और इसे लेकर वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों को समझ नहीं पाने के कारण वो अकेलेपन से जूझने लगी। गलत में अगर चाहिए कि ये मारो साथ कौन देवे या अपना परिवार को ज्यादा साथ दे, और ये वजह से मैंने उन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा मन खुद ने दुख हो, और मैं सोचे थी पति भी मन मतलब मन समझ कौन सके। इस कारण वो अपने मन की बात कहने से भी कतराने लगी। धीरे 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 बातों में उलझ और हमारे मोटा मन होता रहा धीरे धीरे, और लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनके आगे। मैं अगर जाहिर भी कर रही थी हर बात तो उनका मतलब जो उल्टो मतलब निकाल जाऊ, कुछ धार में ही कमी होगी इस वजह से आया कर, और मैं उन बातों में मतलब बहुत ज़्यादा उलझ जाऊँ जी। और मैं बोले जी कि सब कुछ मैं सही करवा की सोचूँ, लेकिन फिर भी ये लोग सब मारू पर ही बोले भाई थारी कोई गलती होगी, तो ये वजह से अकेला फील करे जी। रिश्ता टूटने और परिवार की बदनामी के डर से प्रेमलता किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। पति सु भी शेयर कौन करे जी, और माँ बाप सु भी शेयर कौन करे जी। हमेशा यही सोचती रहती थी मैं कभी मर सु कोई प्यार सु बैठ मुझसे बोल ले और मुझसे बात करे प्यार सु बैठ के, और मैं सोच रही कि मैं खुद ने अपना अपने कुछ नुकसान पहुँचा लूँ, और मैंने कोशिश भी करी लेकिन वो कोशिश मेरी नाकाम रही। प्रेमलता को देख उनकी एक आंटी ने उन्हें प्रेयर में बुलाया, जहां उनकी मुलाकात पास्टर दीदी से हुई। वहां पे दो बार जार और मैं छोड़ दी और मैं नहीं गई। एक दिन मैं ऐसे सो रही थी और मैंने अचानक फिर वही आंटी की मैंने याद आई, और फिर मैं वो आंटी के घर गई, और जब प्रार्थना में बैठे तो मैंने प्रार्थना में अच्छा लगा मुझे, प्रार्थना में मैं बैठी रही और आराधना सुनी, और जब इन्होंने बातचीत मारसू करी तो मैंने इनका बातचीत तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मार सु बहुत सु प्यार सु बात करी और गले भी लगाया और प्रार्थना भी करी इन्होंने। जब पास्टर ने मुझे बोला और समझाया इन्होंने कि विश्वास रखो और परमेश्वर ठीक करेगा आपको, बहुत मुझे शांति मिली और मैंने लगा कि कोई तो है जो मुझे मतलब धाम लियो। उस दिन से प्रेमलता को प्रार्थना में उम्मीद मिली, लेकिन इनकी प्रार्थना द्वारा और मेरे जीवन में परमेश्वर के कार्य बहुत तो चले गए। परमेश्वर को कार्यो धीरे 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 मैं भी प्रार्थना समझ में लगी, प्रार्थना करवा लगी, हर एक चीजों में मारे बोलबा में चालबा में सब में मार सू बहुत सी गलतियाँ हो ची, लेकिन जब मैं प्रार्थना करवा चालू करी और जब परमेश्वर ने मुझे बोला वह बोझ के तले दबे लोगो मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा, और जब ये वचन मारे पास आयो जब मैं ये वचन ने बोलबा चालू करी तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति मैंने मिली, और मैं भी शांत रहबा लागी और मेरे पति भी बहुत शांत रहबा लागो। परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैं हर एक चीज़ों में टूटी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बनाना चालू किया, परमेश्वर ने मुझे अपने अनुसार मुझे रचा। आज प्रेमलता और उनका परिवार खुशहाल है और परमेश्वर के अपनेपन की गवाही दे रहा है। हर एक खालीपन मारे परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर करो, और परमेश्वर ने हमारे घर परिवार में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम करो। इन सब चीज़ों से मुझे हमारे परिवार ने आजाद करे परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ।